एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम निवेदिता जायसवाल. आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक समझेंगे जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, मनी बिल. उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. मैं आपको मनी बिल की क्या प्रोसेस है एंड किस तरीके की मनी बिल को हमारे जो संविधान में या संविधान के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, किस तरह के मनी बिल का जो विधेयक रहता है उसको किस तरीके से पेश किया जाता है इसके बारे में बताऊंगी. और किस तरीके की संचित निधि से आप रुपए पैसे के बारे में क्या क्या रहता है उसके बारे में आज मैं बताऊंगी. तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आर्टिकल जो संविधान के जो आर्टिकल 110 में इसका वर्णन किया गया है. आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है. अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके का धन विधेयक. अब आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि धन विधेयक मतलब होता क्या है, इसमें किस तरीके के धन के बारे में विधेयक पेश किया जाता है. तो आपको बता दूँ कि किस जो हमारे किसी भी कर का, जैसे पहला हो गया किसी भी कर का कारारोपण करना या विनियोग करना. और सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट में ये हो जाता है कि कोई भी भारत की जो संचित निधि है उसके द्वारा आप उधार लेते हो, तो इससे आपको राज्यसभा में या राज्य लोकसभा में आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस संचित निधि से इतना रुपया उधार लिया है. यही इसमें बताया गया, यही धन विधेयक होता है. अब थर्ड पॉइंट आता है कि अगर कोई भी संचित निधि से आकस्मिक धन की आवश्यकता पड़ गई या धन डालना या उसमें से निकालना, ये भी तो हो सकता है कि भारत की आकस्मिक निधि से अगर आप निकाले हो तो धन को डालना भी तो होगा. तो भारत की आकस्मिक निधि से धन को डालना या निकालने के बारे में ब्यौरा देना सरकार को. एंड फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर कोई भी भारत की जो आकस्मिक निधि है या भारत की जो संचित निधि है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा दिया जाता है, ये भी तो आता है धन विधेयक के अंतर्गत. यानी कि जितने भी जो पैसे से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, उसके बारे में इसमें विधेयक पेश किया जाता है. धन से रिलेटेड जैसे पैसे का लेखा जोखा, जो भारत की संचित निधि है, भारत की राशि है या भारत का धन है, उसका लेखा जोखा इसमें पेश किया जाता है कि किसके द्वारा कितना पैसा की आवश्यकता पड़ी, किसमें कितने पैसे को दिया गया. अगर अंतर्राष्ट्रीय डील किया जाता है तो उसमें कितनी पैसों की आवश्यकता पड़ी, या आप किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अगर आप लॉन्च करते हो तो उसमें भारत की संचित निधि से ही राशि को हम निकालेंगे ना, तो यही इसमें लेखा जोखा दिया जाता है. या फिर अगर हमारे भारत में इमरजेंसी लग जाता है, आपात इमरजेंसी लग जाता है, तो भारत की संचित निधि से ही आप सैनिकों को आप युद्ध के लिए भेज सकते हैं ना. संचित निधि से ही पैसे निकाल कर युद्ध के लिए आप भेज सकते हैं, लड़ाई के लिए भेज सकते हैं, या कोई भी जैसे आपके जो भी युद्ध में जो प्रयोग होते हैं, सैनिक शक्ति हो गई या आपके जितने भी हो गए जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं अस्त्र शस्त्र के लिए भारत की संचित निधि पर डिपेंड रहना पड़ता है. तो जो संचित निधि से आप जितने भी रुपए को निकालेंगे तो उसको ब्यौरा देना पड़ता है. जो हमारे जो संसद के सदन है, लोकसभा है, तो उसमें ब्यौरा देना पड़ता है और राष्ट्रपति को भी ब्यौरा देना पड़ता है. तो इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है. तो इसकी प्रोसेस बताऊंगी मैं. तो धन विधेयक को है संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाता है. साधारण विधेयक में, जो मैं पहले वाले वीडियो में बताई थी कि साधारण विधेयक में जो है कि दोनों सदन में, संसद के दोनों सदन में पेश किया जाता है, लेकिन धन विधेयक को है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है. इसमें कहा गया है कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसका कोई कार्य नहीं होता है. जब मंत्रिमंडल, जो लोकसभा के मंत्रिमंडल हैं, उनकी अनुमति के साथ अगर जो धन विधेयक जो है संसद में जब पेश किया जाता है तो उसके ऊपर आपसी विचार विमर्श किया जाता है. विचार विमर्श करने के बाद क्या होता है कि जो राज्यसभा में विचार विमर्श करने के बाद जब पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा में उसे भेजा जाता है, आपको उसे राज्यसभा में भेजा जाता है. राज्यसभा में क्यों भेजा जाता है? उसकी सिफारिश के लिए राज्यसभा में भेजना आवश्यक होता है. ऐसा नहीं कि इसमें राज्यसभा का भी कोई वैल्यू नहीं है, राज्यसभा में भी इसे भेजना पड़ता है. राज्यसभा में जब सिफारिश के लिए भेजा जाता है तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही उस बिल को रख सकती है. यानी कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा को फिर लोकसभा में उस विधेयक को भेजना होगा, धन विधेयक को भेजना होगा.
अगर जब सिफारिश के लिए भेजा जाता है तो लोकसभा द्वारा राज्यसभा की सिफारिश पर, सिफारिश को अगर स्वीकार कर लेती है तो भी विधेयक पारित समझा जाएगा। अगर लोकसभा द्वारा राज्यसभा की सिफारिश को अस्वीकार कर ली जाती है तो भी लोकसभा द्वारा वह बिल जो है पारित समझा जाएगा। यानी कि इसमें राज्यसभा का कोई भी महत्व नहीं है, राज्यसभा के अधिकार का कोई भी महत्व नहीं है। राज्यसभा अगर उसमें स्वीकृति देती है या नहीं देती है इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सिर्फ लोकसभा में ही धन विधेयक का महत्व रहता है। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आर्टिकल 109 में ऐसा कहा गया है कि धन विधेयक है राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन तक ही रखना है। आर्टिकल 109 की जो खंड 2 है उसमें कहा गया है कि धन विधेयक को है सिर्फ 14 दिनों तक ही राज्यसभा में रखना है और राज्यसभा में 14 दिनों के बाद आपको वापस करना है। यानी जो धन विधेयक रहता है उसको आपको देना है लोकसभा को। अब लोकसभा में मिल जाता है आपको धन विधेयक तो उसको क्या करता है लोकसभा के जितने भी सदस्य रहते हैं उनको राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अब इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है क्योंकि इसमें आकस्मिक जो निधि रहती है, संचित निधि रहती है, उसके बारे में लेखा जोखा रहता है, उसके बारे में वर्णन किया रहता है, तो इसमें राष्ट्रपति की भी मंजूरी आवश्यक है, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, आपको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को ज़रूर लिखती हूँ। लिखने के कारण यही है क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे BPSC का अभी एग्ज़ाम हुआ है, मैं आपको उसके क्वेश्चन को बताऊंगी, जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें क्वेश्चन को बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो डीपली बहुत पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल में क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है उसके, तो इसीलिए आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या था कि साधारण विधेयक में क्या था कि आर्टिकल 111 के अनुसार जो राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं था सिग्नेचर करने के लिए या मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन इसमें क्या है धन विधेयक में राष्ट्रपति बाध्य होगा सिग्नेचर करने के लिए, अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा धन विधेयक में। यहाँ पर पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। साधारण विधेयक था कि आप पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते थे कि आप दोनों सदनों आप दोबारा से देखो, लोकसभा एवं राज्यसभा दोबारा से देखो कि आप पुनर्विचार करो कि गलत है कि सही है करके, लेकिन क्या है इसमें धन विधेयक में कि पुनर्विचार के लिए आप लौटा नहीं सकते हैं, ऐसा इसमें धन विधेयक में कहा गया है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है, इसमें राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं है। अब क्या है कि राष्ट्रपति को धन विधेयक की जो राष्ट्रपति जो धन विधेयक की अनुमति दे देता है क्योंकि वो बाध्य है और उस वो पुनर्विचार के लिए भी लौटा भी नहीं सकता है, तो धन विधेयक की जब अनुमति प्रदान कर देता है तो वह बिल जो है पारित समझा जाएगा, यानी बिल पारित हो जाता है। यही धन विधेयक में बताया गया है। आर्टिकल 110 में इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल 109 के खंड 2 में बताया गया है कि आप 14 दिन तक ही रख सकते हैं राज्यसभा में धन विधेयक को। इसे अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या बताई और मैं आपको बिहार PCSJ के एग्ज़ाम है उसका जनरल नॉलेज एंड लॉ के पेपर को बताऊंगी और आप किस तरीके से आगे तैयारी करेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो अभी से ठानना पड़ेगा तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप सोचेंगे कि मैं बिहार PCSJ का जब एग्ज़ाम देने जाऊंगा या BCSJ का एग्ज़ाम देने जाऊंगा या APO का एग्ज़ाम देने जाऊंगा तो आप सोचेंगे कि मैं जब लॉ कंप्लीट कर लूँगा तब मैं तैयारी करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही लग जाइए क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
तो जो लॉ के जो बुक्स रहते हैं उसी के अंदर से पूछा जाता है। इसीलिए आप शुरू से तैयारी करिए और शुरू से मजबूती के साथ पढ़ाई कीजिए। आप ऐसे क्या है कि कॉलेज में भी टॉप करेंगे एंड आपका बिहार जो आपका PCSJ का एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप तैयारी कर सकेंगे, उसके लिए भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल पाएंगे। ऐसा मेरी आपसे भगवान से दुआ है, प्रार्थना है। और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको जो बिहार का जो PCSJ का एग्ज़ाम है उसके पेपर के बारे में, पेपर को मैं लेके आऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं। एंड फिर उत्तर प्रदेश का PCSJ का एग्ज़ाम होगा तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी। और आप अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे। थैंक यू।